क्या ये सुनियोजित ढंग से होता है? आपने मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि उसके शेर जो थे वो भड़काऊ थे। ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहीं धरना प्रदर्शन भी नहीं किया। हाँ, आपत्ति तो जताई थी हमने, लेकिन आपने दूसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन सी मजबूरी है? क्या आप इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? इनके बचाव में लोग आ रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जज्बे शौके शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने बिसर ले लिया। जज्बे शौके शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने बिसर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। सलाम अलैकुम, आदाब, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार। दोस्तों, आज का धरना विशुद्ध रूप से आजाद समाज पार्टी के बैनर तले धार्मिक उन्माद जो तेजी से इस देश में बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाने, सरकार के द्वारा भेदभावपूर्ण निर्णय जो लिए जा रहे हैं उस पर विराम लगाने की मांग, और पीछे से आवाज आ रही है, मीडिया के जो साथी सब खड़े हुए हैं तो पीछे के साथी कह रहे थे थोड़ा देर झेल लीजिए, क्या कीजिएगा, ये भी आपके आपके काम के लोग हैं, क्या कीजिएगा, यही तो मैसेज दूर तक पहुंचाएंगे, बाकी आप लोग तो समर्पित लोग हैं। हम ही लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मीडिया वालों को परेशान कैसे करेंगे, यही तो हम लोग की बात पहुंचाते। दो मिनट सिर्फ अपनी बात रखूंगा और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से विनती पूर्वक कहूंगा, चूंकि भारत का संविधान और संवैधानिक व्यवस्था, इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो पीएम, सीएम और डीएम, ये सुपर पावर होते हैं, यही क्रियान्वयन करते हैं, यही आदेश पारित करते हैं और आदेश को लागू भी करवा देते हैं। दो तीन बातें हैं, देश के लोग भी सुने और समाज के लोग भी सुने। लगातार देश में एक बात चल रही है बुलडोजर पॉलिसी की, और बुलडोजर जो चल रहा है वो ये कहकर चलाया जा रहा है कि भैया ये अवैध निर्माण, अच्छी बात है, अवैध निर्माण तो होने ही नहीं चाहिए, सब कुछ वैध होना चाहिए, अवैध कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल है मीडिया के साथियों, आप पहुंचाएंगे देश के लोगों तक, उन देश के देश प्रेमियों तक जो भटक गए हैं और जो फर्जी नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसके चक्कर में आ रहे हैं, गोदी मीडिया के चक्कर में, कि ये वैध और अवैध परिभाषित कैसे होता है, कब होता है? आपने सुना होगा नबी के शान में गुस्ताखी हुई, चंद लोग छतरपुर से निकलते हैं, थाने में एक अर्जी देने जाते, कहा यह जाता है कि थाने पर इन्होंने पथराव किया। मैं इस तमाम भीड़ से पूछता हूं, मीडिया के साथियों से पूछता हूं और भारत के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया से पूछता हूं कि छतरपुर थाने पर पथराव करने का कोई वीडियो आपके पास है क्या? है क्या मीडिया के बंधु आपके पास है क्या? आपके पास है, बोलिए हाँ या ना। नहीं है। फिर भी हाजी शहजाद समेत कई मकानों पर बुलडोजर चलाए गए, ये कहकर कि चूंकि इन्होंने थाने पर पथराव किया था इसलिए बुलडोज किया जाता। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो कहा जी नहीं, वो तो अवैध निर्माण था। अभी बहराइच में भी आपको खबर मिल रही होगी, 23 घरों पर नोटिस चिपका दिया गया, 23 घर किसके है बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह होता है कि वैध और अवैध का ज्ञान दंगा के बाद, झगड़े के बाद, लड़ाई के बाद, पंगे के बाद ही क्यों होता है, पहले क्यों नहीं पता चलता कि यह अवैध निर्माण है या वैध निर्माण, ये नोट करने की चीज है और पहुंचाने की चीज है। ये बिल्कुल फेक नैरेटिव है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। एक वीडियो वायरल हो रहा चंदौली का, आप लोगों तक भी पहुंचा होगा, चंदौली में एक अल्पसंख्यक समुदाय की हत्या हो रही है, सड़क का आपसी झगड़ा, कोई बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन उसकी भौजाई मांग कर रही है कि पहले बुलडोजर चलाओ हत्यारे पर, तब जाकर हम मिट्टी होने देंगे, वहां सुनी नहीं जा रही है। आपने सुना होगा गौतम, कौन गौतम, अमन गौतम, अभी हत्या हुई, जिस पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, क्या पुलिस वालों के घर पे चलेगा क्या बुलडोजर? नहीं चलेगा ना। आपको पता है पूरे देश में नहीं विदेश तक चर्चा हुई थी, हाथरस की घटना,
बुलडोजर चला क्या किसी पर? नहीं चला। मीडिया के बंधुओं, देश प्रेमियों, ये बात आप हर चौक चौराहे पर उठाइए, देश प्यार से चलता, प्रेम से चलता है, भाईचारे से चलता, अमन से चलता, सुकून से चलता है। अगर अशांति होगी तो विकास बाधित होगी। आप कहते हैं मैं विश्व गुरु बनना है और आप जानबूझकर देश के अंदर बदमनी फैलाते हैं। एक वीडियो ये दिखाइए कि कोई मुसलमानों का जुलूस गया हो और किसी मंदिर पर उसने चढ़कर झंडा फहराया हो, है क्या एक भी वीडियो? नहीं है। लेकिन सैकड़ों वीडियो, मीडिया बंधुओं और हमारे देश प्रेमियों, सैकड़ों वीडियो है ऐसे कि उनका जुलूस जा रहा और मस्जिद पर चढ़कर वो झंडा फहरा रहे। क्या हो रहा है इस देश में? कहां ले जाना चाहते हैं आप समाज को? किसने ये आपको सिखा दिया? आज उस गोपाल मिश्रा के परिवार से जाकर मिल लो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसके दुख को बांटने वाला नहीं है। चढ़ जा बेटा सूली पर। लोग भड़का रहे, लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोग आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी कीमत पर उनके बहकावे में नहीं आइए। एक बात दलित भाइयों को नोट करना है, क्योंकि दलित मुस्लिम यूनिटी अगर नहीं हुई तो देश बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। अगर बढ़कर दलित नेतृत्व सत्ता की तरफ नहीं बढ़ता है और मुसलमान मुक्ति की तरह उसके साथ नहीं जुड़ता है, तो याद रखना आने वाला दिन आपके नेता को माफ नहीं करेगा, आपके नेता को माफ नहीं करेगा। आप देख रहे हो आरक्षण से चल करके आए हमारे आरक्षण विरोधी, निजाम चौधरी जी का स्वागत है। आरक्षण विरोधी आंदोलन कहाँ हो रहे हैं आपको पता है दलित भाई? आपने देख लिया अभी? हमने नहीं किया। बहरहाल मैं कोई सफाई देने नहीं आऊं, दो बात ही रखने थे कि ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा बात बात पर, इस पर विराम लगना चाहिए और ये वैध और अवैध की परिभाषा भी सामने आनी चाहिए। एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि हमने कभी आपका अपमान नहीं किया, आपके धर्म गुरुओं का अपमान नहीं किया, आपके किसी भी अवतार के खिलाफ हमने कभी कुछ नहीं कहा। क्या मुसीबत है, आप प्रवचन करने जाते हैं, आप जो है कथावाचक है, आप अपने धर्म का जो कुछ भी कहना है कहिए अपने लोगों से, आप दूसरे धर्मों पर अभद्र टिप्पणी क्यों करते हैं, इसकी अनुमति कौन देता है और कौन है जो उसके बचाव में सामने आता है? ये प्रचलन बंद होना चाहिए। क्या ये सुनियोजित ढंग से होता है? आपने मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि उसके शेर जो थे वो भड़काऊ थे। ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने कहीं धरना प्रदर्शन भी नहीं किया। हाँ, आपत्ति तो जताई थी हमने, लेकिन आपने दूसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन सी मजबूरी है कि आप इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? इनके बचाव में लोग आ रहे हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, राजधर्म का आपको पालन करना चाहिए। अगर इस तरह से लगातार वन साइडेड काम होगा तो कोई गाड़ी जो वन साइड चलती है तो वो एक्सीडेंट हो जाती है। वन साइड ड्राइवर लोग होंगे, यहाँ पर लगभग आधे से ज्यादा लोग गाड़ी चलाना जानते हैं। वन साइड अगर कोई गाड़ी चलती है ना तो उसके स्टेरिंग को बहुत जोर से पकड़ना पड़ता, जरा सा भी स्टेरिंग ढीला देंगे एक्सीडेंट। तो ये वन साइड सरकार नहीं चल सकती, सरकार को वायलेंस बनाना पड़ेगा। अंतिम एक बात कहूंगा, आप लोगों को बताया जाता है कि योगी जी आए, मोदी जी आए, अब्दुल का नट टाइट कर दिया गया। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, मैं अपने बड़े भाइयों को समझाना चाहता हूँ, देश के वो बड़े भाई जिनके कंधे पर इस देश का भविष्य है, अगर वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो हम तो मुट्ठी भर लोग हैं, हम तो 15% से क्या हम करेंगे आपके साथ? आप जब तुल जाएंगे देश को डुबाने पर तो हम कब तक बचाएंगे भाई? इसलिए एक बात कही जाती है, अब्दुल का नट टाइट कर दिया गया। बोल्ट आपने देखा होगा इतना बड़ा होता, नट इतना बड़ा होता, बोल्ट 85% होता है, नट 15% होता है। अगर नट को जरूरत से ज्यादा टाइट करोगे तो नट स्लिप हो जाएगा, और अगर नट स्लिप हो जाएगा बोल्ट काम का नहीं बचेगा, किसी भी मिस्त्री से पूछ लेना। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़।